हम लोगों ने ललन बाबू को एक बार कहा कि भाई आप एमपी बनना चाहते हैं तो वहीं से बनिए एमपी, आपसे आग्रह करेंगे कि सब दिन इनको एमपी बनाए रखिए, है ना तैयार। यहां पर तो पिछड़े लोग अपर कास्ट के भी हैं, हर जात के लोग गरीब लोग हैं, तो बिहार के विस्तार के लिए जरूरी है कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। पूरा का पूरा अभियान चलाएंगे, तो आप लोगों का समर्थन है ना जी, विशेष राज्य के दर्जा का, खड़ा होकर के बोला। अब बाकी सब तो ऐसे ही करते रहता है, छोड़ा ना उकरल है। सब बेचारा पत्रकार लोगों को मालूम है, लेकिन लोगों पर कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला, तो इसीलिए आजकल हमसे अच्छा करते हैं, हमसे अब नहीं बतियाता है बेचारा सब। हम सब पत्रकार जितने हैं सबके पक्षधर हैं, लेकिन उनको लिखने देता है जी, कह देता है कि ना तुम्हारा मत पब्लिश करो। आप सब उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, और आज देख लीजिए कि आज कितनी महत्वपूर्ण बात राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, तो हमने तो बहुत पहले कह दिया था कि इसको बनना चाहिए, लेकिन इसके कार्यक्रम का जब मेरे पास आया तो हमने देखा कि भाई लिखा हुआ है राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल का है नहीं। हम तो जो भी बनाते हैं चिकित्सा अस्पताल बने, महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल साथ साथ बनता है, तो यहां पर अलग काहे किए हुए थे। तो तुरंत हमने अधिकारियों से बातचीत किया कि भाई ये तो है नहीं, अब पता चला कि एक जगह और किए हुए थे, हमके देखिए ये नहीं कभी हो सकता, हमने तो सब दिन कहा है, तो मान लिए। और हमने कहा कि देखिए कार्यक्रम तय कर दिए हैं, तो जब तक वो चिकित्सा अस्पताल भी साथ साथ नहीं हो चिकित्सा महाविद्यालय के साथ, तो उसी में एक एक जगह पर आ करके देख करके, और ये भी इन लोगों ने कर दिया। शायद कितना 750 ना 630 का कर दिए हैं, तो हमको आग्रह करेंगे कि उसको और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा बाद में। अरे भाई मुंगेर आज का जगह है, ये सब पौराणिक जगह है, बहुत बहुत पहले की जगह है, मुंगेर को याद रखिएगा, भूलिएगा मत, खाली पटना को याद मत रखिए, सब जगह जो पौराणिक जगह है मुंगेर भी है। हम लोग तो बचपन से ना जानते हैं जी, आप लोग तो बहुत लोग हैं, किसी किसी को पुराना आदमी को मालूम होगा, हम कितना घूमते रहे जी, एक भी मुंगेर का कोई इलाका है, सब कितना महत्वपूर्ण है, कितना पौराणिक स्थल है, तो सब जगह जाते रहे हैं। अब बड़ा खुशी हुई कि जब हम लोगों ने ललन बाबू को एक बार कहा कि भाई आप एमपी बनना चाहते हैं तो वहीं से बनिए एमपी, तो बड़ी खुशी की बात हुई कि आप लोगों ने इनको एमपी बनाइए बनाए, आपसे आग्रह करेंगे कि सब दिन इनको एमपी बनाए रखिए, है ना तैयार, तैयार है ना। अब बाकी सब तो ऐसे ही करते रहता है, छोड़ा ना उकरल है। आ दूसरा लोग कौन बात करता है आजकल दिल्ली में, वो सब क्या क्या बात करता है, काम तो हम लोग ना कर रहे हैं, किसी के मदद से काम कर रहे हैं। याद करिए ना कि कितना काम किए हैं जी, जब से मौका मिला हमको 2005 में, तब से कितना एक एक चीज में काम नहीं किए। सब बेचारा पत्रकार लोगों को मालूम है, लेकिन लोगों पर कब्जा कर लिया है दिल्ली वाला, कहता है कि तू इसका बात मत बोलो, तो इसीलिए आजकल हमसे अच्छा करते हैं, हमसे अब नहीं बतियाता है बेचारा सब। तो हम भी कहते हैं कि नहीं ठीक है, खाली मीटिंग के दौरान कह देते हैं कि हम लोग कितना काम करते हैं। हम सब पत्रकार जितने हैं सबके पक्षधर हैं, सब अच्छे लोग हैं, इन पर कब्जा करके जबरदस्ती बेचारे को करते रहता है, रोक लगाते रहता है, लेकिन सब सही व्यक्ति है। जब भी देखते हैं देश भर में कहीं भी कुछ होता है राज्य में कहीं, तो देखते हैं, अब बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं, लेकिन उनको लिखने देता है जी, कह देता है कि ना तुम्हारा मत पब्लिश करो। और जब हम लोग कोई काम करते हैं तो एक दिन तो ये लोग पब्लिश कर देता है, आज दिल्ली से खबर आ जाता है, अब इसको बंद कर दो, मत करो कुछ, तो सब तरह तरह का बात होते रहता है। तो कौन काम हम लोग नहीं कर रहे हैं बोलिए ना, और सबके हित में बात कर रहे हैं।